हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज आईफोन 8 प्लस का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो मेरे पास वाइट कलर में मौजूद है। अगर आईफोन 8 प्लस की बॉडी वेट की बात की जाए, तो ये 202 ग्राम है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो ओएस आईओएस 11 अपग्रेडेबल टू आईओएस 11 है हमारे पास। इसका चिपेस्ट एप्पल A11 बायोनिक है, जो जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। जीपीयू जो है वो हेक्सा कोर 2X मूनसून 4X मिस्टर है हमारे पास। जीपीयू एप्पल जीपीयू है हमारे पास, जो 3 कोर ग्राफिक्स है हमारे पास। इसमें कार्ड नहीं लगता। इंटरनल मेमोरी इसमें 64 से लेकर 256 तक है। और इसका रैम जो है वो है हमारे पास 3 GB रैम। इसमें हमारे पास अभी ये आप डुअल कैमरा आते हैं, और सेकेंडरी कैमरा भी है। डुअल कैमरा 12 मेगापिक्सल है, और सेकेंडरी कैमरा जो आप देख सकते हैं वो है 7 मेगापिक्सल। तो अभी डिस्प्ले की तरफ आते हैं, जो हमारे पास है LED बैकलिस्ट, IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, 16 mAh कलर है हमारे पास, साइज़ है 5.5 इंचज़, 83.4 cm2 है हमारे पास, स्क्रीन टू बॉडी रेटो है हमारे पास। रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं जो है 1080x1920 पिक्सल, जो 16:9 रेटो में हमारे पास है। 400x लेकर PPI डेंसिटी हमारे पास। मल्टी टच है हमारे पास। प्रोटेक्शन जो है वो आयोन स्ट्रेकनेट ग्लास है हमारे पास। ओलीफोबिक कोटिंग है हमारे पास, और वाइट कलर की जाए तो वाइट कलर गोमोट डिस्प्ले है हमारे पास। ये गोमोट डिस्प्ले में है, 3D टच डिस्प्ले है, और हमारे पास इसमें होम बटन भी आते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें हमारे पास टू टून डिस्प्ले है, ये आप देख सकते हैं, ये टू टून डिस्प्ले है हमारे पास। अगर वाईफाई की बात की जाए तो ये 802.11ab/g/n/ac डुअल बैंड हॉटस्पॉट है हमारे पास। और अभी जा रहे हैं हम ब्लूटूथ की तरफ। तो अभी आपको ब्लूटूथ के बारे में बताता हूँ। ब्लूटूथ हमारे पास मौजूद है 5.5.0a2DPLE हमारे पास इसका ब्लूटूथ। GPS इसमें हमारे पास GPS भी मौजूद है। GPS जो है वो है AGPS GLONASS एंड गुलूलियो QZSS है हमारे पास। तो ये आप देख सकते हैं, नेम सीरियल वगैरह सब कुछ मौजूद है। बैटरी की तरफ हम लोग आते हैं। जो बैटरी है ये मेरे पास अभी सर्विस है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं 76 है हमारे पास। ऐसी से नीचे हो जाए तो ये सर्विस में आ जाती है। इसकी जो ऑफिशियली बैटरी है वो लियोन 2691 mAh में हमारे पास आती है। तो इसकी अगर बैटरी WH की बात की हो तो ये 10.2928 तक है हमारे पास। तो अभी आते हैं फिंगर की तरफ, आप फिंगरप्रिंट इसका चेक कर सकते हैं। तो अभी आप फिंगर सेंसर देख सकते हैं, काफ़ी फास्ट फिंगर सेंसर है इसका, वन टच, एंड आप देख सकते हैं बहुत फास्ट फिंगर है। तो ये मैंने लगभग कर ही लिया, थोड़ा सा रह गया है। तो ये अभी दूसरी नेक्स्ट लेवल पे हम जा रहे हैं। अब देख लें, अराउंड फिंगर स्कैन हो रहा है। तो ये फिंगरप्रिंट। दूसरी बात ये है कि ये आईफोन का लास्ट मॉडल है। इसके बाद जितने भी मॉडल हैं, मॉडल्स आते हैं, जैसे कि आईफोन एक्स, उसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं आता, और इसमें फेस लॉक का ऑप्शन नहीं है। तो ये मैंने कोड दे दिया है, अब देखते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहा है कि नहीं। स्कैन हो रहा है, लेकिन आई थिंक मेरे हाथ ज़रा ऑयली है, तो इसलिए ओपनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं अभी। और अगर अदर फीचर्स की बात की जाए तो ये एक्टिव नॉइस कलेक्शन है हमारे पास। डेडिकेटेड माइक है हमारे पास। 19-2-3.5 mm हेडफोन है हमारे पास, जो जैक अडॉप्टर है। सेंसर में तो आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि इनमें फिंगरप्रिंट आता है, जो फ्रंट माउंटेड है, मतलब फ्रंट में है। ये आप देख सकते हैं गोल बटन जो है, ये फिंगरप्रिंट है इसका। तो ये एक, इसमें हमारे पास कार्ड भी नहीं लगता। और अगर लॉन्चिंग की बात की जाए तो ये रिलीज़ 2017 में हुआ था, सितंबर में। आज से 7 साल पहले ये रिलीज़ हुआ था, वो भी सितंबर में। अब आते हैं प्राइमरी कैमरे की तरफ। ये हमारे पास है डुअल 12 मेगापिक्सल कैमरा है, जो f1.8 से लेकर 28 mm तक हमारे पास आता है। 12 मेगापिक्सल है। f2.8 57 mm फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, 2x ऑप्टिकल जूम है हमारे पास, जो अभी आप देख सकते हैं। क्वाड LED डुअल टून फ्लैश है हमारे पास। तो अगर फीचर्स की बात की जाए तो ये 4K वीडियो एंड 8 मेगापिक्सल MH रिकॉर्डिंग, टच फोकस है, फेस स्माइल डिटेक्शन है हमारे पास, HDR फोटो पनोरोमा है हमारे पास।
और अगर सेकेंडरी कैमरे की बात की जाए तो वो 7 मेगापिक्सल है, जो F2 से लेकर 32 mm तक हमारे पास आता है, 1080 पिक्सल से लेकर 30 FPS तक। तो ये अभी हम फ्रंट कैमरे की तरफ आ गए हैं। फ्रंट कैमरा भी आप देख सकते हैं, फ्रंट कैमरा भी आईफोन 8 प्लस का बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ये आपके सामने है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात है कि फ्रंट में पोर्ट्रेट नहीं आता, 8 से ऊपर जितनी भी मॉडल में फ्रंट पोर्ट्रेट आते हैं, लेकिन 8 प्लस में फ्रंट पोर्ट्रेट नहीं आता। तो ये आप इसका बैक पोर्ट्रेट देख सकते हैं, बैक पोर्ट्रेट इसका बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आईफोन 8 प्लस का कैमरा बहुत अच्छा है, 7 प्लस से भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इस बच्चे के फेस को, मतलब बैक साइड सब कुछ ब्लर है, और बच्चे का फेस देख लें बिल्कुल क्लीन है। तो ये आप फोकस देख सकते हैं, पीछे सब कुछ ब्लर है और फोकस आप फेस पे देख लें। तो बाकी अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो GSM HSPA LTE हमारे पास जो 2G है, 2G बैंड्स है, 3G बैंड्स हैं, 4G बैंड है। स्पीड में ये काफ़ी ज़्यादा HSPA है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसमें GPRS है हमारे पास, EDGE है हमारे पास, और डुअल डुअल कैमरा है हमारे पास। इसमें प्रोसेसर जो है एप्पल A11 बायोनिक है, 128 से लेकर 64, 256, 256, इसकी मेमोरी आती है, 2691 mAh बैटरी है इसकी, 3 GB रैम में ये आता है, और डिस्प्ले 5.5 डिस्प्ले हमारे पास, जो 5 to 5 mm डिस्प्ले में आता है हमारे पास। तो ये आप देख लें, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मज़ीद वीडियो के लिए देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मिलते हैं दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह।